बिहार के दरभंगा जिला में विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने तीनों जिले के अधिकारियों के साथ मठ मंदिरों की भूमि को लेकर समीक्षा बैठक किया है। इसमें अधिकारियों ने मठ मंदिरों की पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बताया गया है कि राजस्व विभाग ने 4 माह मेहनत कर दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिले के मठ मंदिरों के 55.33 एकड़ भूमि पता लगाने में सफलता हासिल किया है। कुल बता दिया जाए तो 5,533.33 एकड़ भूमि हुआ। इसमें दरभंगा के 76 पंजीकृत मठ मंदिरों एवं धार्मिक न्यास के 489.91 एकड़ भूमि एवं 494 गैर पंजीकृत के 869.66 एकड़ भूमि खोज की गई है। वहीं मधुबनी जिले के 156 मठ मंदिरों के नाम पंजीकृत 2,376.5 एकड़ भूमि और 7 गैर पंजीकृत में से 9.15 एकड़ भूमि तथा समस्तीपुर जिले के 168 पंजीकृत मठ मंदिरों के 1,301.35 एकड़ भूमि और 90 गैर पंजीकृत में 487.23 एकड़ भूमि मिली है। मंत्री ने मठ मंदिरों और धार्मिक न्यास की गैर पंजीकृत भूमि को संबंधित नामों से पंजीकृत कर जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया है। सूची को बाहर राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में शामिल करवाने के लिए उन्होंने सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता को प्रतिवेदन कराने का आदेश दिया है। उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी की मौजूदगी में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति दिखलाते हुए कहा कि किसी भी मठ मंदिर व इष्ट देव की भूमि उसके नाम से ही पंजीकृत होगी, न किसी पुजारी या सेवादार के नाम से। यदि कहीं किसी ऐसा किया गया है तो वह बिल्कुल गलत है। सेवादार या पुजारी उस संपत्ति के हकदार नहीं हो सकते। अगर इस तरह का कहीं मामला है तो उन्होंने त्वरित जमाबंदी रद्द कराने के लिए आदेश दे दिया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं मंत्री जो है विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, उनका उन्होंने क्या कहा इस अवसर पर। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। विशेष कवरेज देखिए पूरा। कमिश्नर साहब, इसके जिलाधिकारी जी को, एडीएम को, एसडीओ साहब को, एलआरडीसी को और अंचल अधिकारी जी को धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे और इनके प्रति अपने तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि लगभग 1,000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पता लगाया है लोग, जो लगभग 5,512 एकड़ भूमि है। ये हमारे इष्ट देव राम जानकी, कबीर, महादेव, इस तरह विभिन्न हमारे हिंदू धर्म के जो इष्ट देव हैं उन लोगों की परिसंपत्ति है, जो हमारे सभी अंचल अधिकारी और सभी अधिकारी 3 महीना का हमारे कमिश्नर साहब ने के निर्देशन में 3 महीना का समय दिया गया है कि इसको पैमाइश करके, पिलरिंग करके और इसको नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉपर्टी संरक्षित हो, संवर्धित हो। यह जो है ये यही आज की ये बैठक हुआ। दूसरा, हमारे गन्ना विकास योजना अंतर्गत जो उत्कृष्ट गन्ना की खेती करेंगे उनकी अनुदानित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना से हम लोग उसको बढ़ावा देंगे। जो हमारे रैयाम, सकरी और लोहट ये चीनी मिल के जो कर्मचारी काम कर किए हैं उनका जो सैलरी वेतन बकाया है उसको भी हम लोगों ने हमारे गन्ना विभाग के सचिव जी के भी निर्देश हुआ है और हमारे सभी अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इसका भी समय से उसका पेमेंट चला जाए नीचे स्तर पर, उसके वारिस वरिस को जांच करके उसके खाता में रुपया चल जाए। सर, ये मिल जो बंद पड़ा हुआ है ये कब तक चालू हो जाएगा? देखिए, यह जो मिल बंद पड़ा है तो इस यह मिल के लिए अब हम लोग प्रक्रियाधीन है, इसके बीटिंग करवाएंगे और कोई नया इन्वेस्टर आएगा तो वो उसको चालू करेगा। नहीं, रैयाम चीनी मिल का मामला, रैयाम और सकरी ये दोनों जो चीनी मिल है तो इस चीनी मिल को हम लोग विधि संगत इसका ऑक्शन कराएंगे SBI कैप से जो, और उसके बाद उसका जो बीटर होगा, जो इन्वेस्टर होगा वह उसको लेंगे। और जो अभी बहुत तेज़ी से एथेनॉल के तरफ देश मुखातिब हो रहा है और एथेनॉल के इन्वेस्टर लोग भी आ रहे हैं तो उस पर फैक्ट्री लगाएंगे। सरकार अपने फैक्ट्री नहीं लगाती है, इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उद्योगपति आते हैं और उद्योग लगाते हैं, उद्योग के बढ़ावा देने हेतु सरकार उसको अनुदान देती है। तो जब तक मान लीजिए फैक्ट्री नहीं लगेगा तब तक किसान गन्ना का खेती नहीं करेगा? नहीं, गन्ना के लिए गुड़ खरसारी, मैंने कहा ना गुड़ खरसारी, गुड़ बनाएंगे, खरसारी बनाएंगे, गन्ना का खेती करेंगे। तो अब जैसे यहाँ समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल है तो वह दूर है लेकिन उसका कैरेजिंग चार्ज सरकार देगी, गन्ना यहाँ दरभंगा में रुपाएगा और कैरेजिंग चार्ज सरकार देगी। जैसे अभी हम लोगों ने रीगा चीनी मिल का हम लोगों ने जो है
गन्ना को ढुलाई दिए और उसको हम लोगों ने ये काम को कराया। तो इसलिए सरकार जो है इस काम को करेगी और गन्ना खेती के बढ़ावा देने के दिशा में हम लोग प्रयत्नशील हैं। सर, ऐसा कई धार्मिक संस्थान स्थल है जिसको ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है और उसकी संपत्ति को भी बेचने का काम किया जा रहा है, तो ऐसी संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है? वही न पता लगा है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सेवादार हैं वह सेवा करेंगे, हकदार नहीं बनेंगे। सेवादार सेवादार होंगे, हकदार नहीं होंगे। वैसा ही प्रॉपर्टी 5,512 एकड़ जो लगभग 1,000 भूमि स्थान पर दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में प्राप्त हुई, उसी प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही है। चलिए चलिए।